आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज 6 दिसंबर है। आज हम याद कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब ने न्यायोचित और सशक्त भारत के निर्माण के लिए जीवन भर अथक कार्य किया। राष्ट्र संविधान का है तूने शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर थे। उनका जन्म तथाकथित निम्न जाति के परिवार में 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों में बीता, क्योंकि जाति प्रथा समाप्त करने के लिए उनके प्रस्ताव को तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का विरोध सहना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए न केवल सभी सांस्थानिक और सामाजिक अवरोधों का सामना किया, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध के लिए भी खूब ख्याति अर्जित की। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बाबा साहेब ने राष्ट्र के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवाएं दी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के सामाजिक कायाकल्प और उत्थान के लिए अनेक प्रस्ताव और कानून बनाने में सहायता की। भारतीय संविधान संपत्ति संबंधों की मौलिक पुनर्संरचना के लिए उनके प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्र के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों के लिए नई संभावनाएं सृजित करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने संयुक्त भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के श्रेष्ठ चिंतकों में से एक थे। उन्होंने सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को अपनी स्थिति के बारे में राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संघर्ष में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया था। उनका ये कथन प्रसिद्ध है कि तथाकथित निम्न जातियां शिक्षित हों, संघर्ष करें और संगठित हों। उन्होंने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की शिक्षा पर बहुत बल दिया, जिनके लिए पारंपरिक रूप से शिक्षा की मनाही थी। वे शिक्षा को ऐसा प्रबल साधन मानते थे जो सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में सहायता करने के साथ ही समान अधिकारवादी समाज के निर्माण के लिए हर नागरिक को समान रूप से सशक्त करेगी। आधुनिक भारत के निर्माण में असीम योगदान के लिए 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। हम बाबा साहेब के सदैव ऋणी रहेंगे। हम आज स्वाधीनता सेनानी रुक्मणी लक्ष्मीपति का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1892 को मद्रास में हुआ था। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में 1930 के नमक सत्याग्रह में भागीदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसके लिए उन्हें एक वर्ष की कैद भी हुई। वे नमक सत्याग्रह आंदोलन में सजा पाने वाली पहली महिला थीं। रुक्मणी लक्ष्मीपति महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं से अत्यधिक प्रभावित थी।
रुक्मिणी लक्ष्मीपति 1934 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनी गईं। 3 वर्ष के उपरांत वे लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। 1946 में लक्ष्मीपति मद्रास प्रेसिडेंसी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी। राज्य में मंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थी। 6 अगस्त 1951 को रुक्मिणी लक्ष्मीपति का निधन हो गया। 1997 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस महान सत्याग्रही को शत शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।